वेलकम माई न्यू ब्लॉग। आई कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज सप्तमी था, दुर्गा जी का पट खुल गया था, तो आज हम लोग बच्चों को लेकर घुमाने लेकर गए थे दुर्गा जी मेला। तो यहाँ बहुत ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है और दशहरा का मेला बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक रूप से दिखता है। बड़े बड़े पंडाल दिखते हैं और बड़ी बड़ी माता रानी की मूर्तियाँ लगी रहती हैं। बहुत ही सुंदर लगता है, मतलब नज़र नहीं हटता मूर्तियों के पास से। और ये हमारा बच्चा दोनों आगे आगे जा रहा था, मैं पीछे से जा रही थी मोबाइल लेके वीडियो बना रही थी। हमें डर भी लग रहा था कि कोई हाथ से मोबाइल छीन के लेके भाग ना जाए, क्योंकि आजकल यहाँ बहुत ही चलता है, बाइक से आते हैं और मोबाइल हाथ से छीन के लेके भाग जाते हैं। तो इस वजह से डर भी लग रहा था कि कोई छीन के मोबाइल लेके ना चला जाए। लेकिन मेरे दूसरे साइड मेरा बड़ा लड़का खड़ा था, बोला कि मम्मा चलो हम सपोर्ट करेंगे, किसी को छीन कर लेके जाने नहीं देंगे। तो ज़्यादा दूर नहीं था, हमारे घर के आसपास ही है। ये पंडाल लगे थे चार पांच दुर्गा जी के, तो हम आज यहीं पे घूम लिए। कल अष्टमी को जाएंगे दानापुर हम लोग घूमने के लिए, और फिर उसके बाद नौमी को हम जाएंगे पटना घूमने के लिए। तो हमने सोचा कि चलो आज बच्चे लोगों को यहाँ घुमा देते हैं आसपास, तो बच्चे लोगों को घुमाए और बाहर का जो चाट पकौड़े जो भी होता है वो बच्चे खाए। हमें तो अभी खाना नहीं था क्योंकि हम लोग 9 दिन तक नहीं बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, घर का ही बना हुआ एक टाइम का खाना खाते हैं अरवाइन बनाकर। तो बस बच्चे को खिलाया पिलाया और घुमा के ले आए। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा हमारे बिहार का दुर्गा पूजा। ये देखो बाहर अभी रात को पटाखा छूट रहा है, आवाज़ भी आ रहा होगा। और ये काली माँ का मूर्ति था, ये भी बड़ा सुंदर लग रहा था। बच्चे यहाँ से आरती लिए, प्रसाद लिए और चंदन का टीका लगाकर फिर वहाँ से बोले कि चलो अब आगे चलते हैं। और ये छोटे छोटे दुकान लगे हुए थे बच्चों के टॉय बेचने वाले, और ये खाने पीने के दुकान लगे हुए थे। मतलब इतना सुंदर लग रहा था कि इतना दूर भी चले जाओ फिर भी पैर नहीं थकता, लगता है ना बिल्कुल घर आने के बाद ही लगता है कि हाँ कितना दूर चला है और पैर दुखता है, लेकिन जब बाहर निकल जाओ घूमने के लिए तो बिल्कुल नहीं थकावट महसूस होता है। मतलब इतना अच्छा लगता है घूमने में। बहुत अच्छे से मनाया जाता है हमारे बिहार में दुर्गा पूजा। वैसे तो सुने कि कलकत्ता में भी मनाया जाता है, लेकिन कलकत्ता हमने कभी गए नहीं है दशहरा घूमने के लिए, लेकिन हमारे बिहार में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। प्लीज़ कमेंट में बताना कि हमारे बिहार का कैसा लगा आपको दशहरा पूजा, और स्पेशल हमारी माता दुर्गा कैसी लगी, दुर्गा माँ का पंडाल कैसा लगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अगर YouTube पे देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप Facebook पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, बहुत सारा प्यार देना, आप लोग के प्यार की बहुत 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 ज़रूरत है हमें। और अपना सपोर्ट ऐसे ही हमेशा बनाए रखना हमारे ऊपर, और माता रानी भी हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे।